वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। शाहजहांपुर जिले में ग्राम पंचायत कहलिया जो सेरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र में पड़ती है, वहां पर ये मतदान केंद्र आप देख सकते हैं पीछे, ये प्राथमिक विद्यालय सैदापुर चकवार है। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। आप देख सकते हैं ये पीछे जो प्राथमिक विद्यालय है, इसी में बूथ बनाया गया है जहाँ पर आज मतदान होना था। सुबह से यहाँ पर मतदान कर्मी सब बैठे हुए हैं इंतजार में। यहाँ कोई भी एक भी ग्रामीण बूथ पर अभी तक मतदान करने नहीं पहुँचा है। लगभग 1:30 बजने को है, लोगों ने यहाँ पर मतदान का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि उनकी 50 मीटर की एक सड़क बननी है जिसको लेकर के वो लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। शाहजहांपुर जिले में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चौथे चरण के मतदान के दौरान यहां वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन शाहजहांपुर जिले का एक ऐसा गांव है जहां पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये ग्राम पंचायत कैलिया का मजरा है सैदापुर। तो यहाँ की ये महिलाएं तमाम खड़ी हुई हैं, ये जितने लोग ग्राम पंचायत के खड़े हुए हैं यहाँ पर, इन किसी ने भी आज मतदान नहीं किया है। और आखिर मतदान क्यों नहीं किया है, इस बात को लेकर के हम जानेंगे क्या समस्याएं हैं इनकी और आखिर मतदान का बहिष्कार इन लोगों ने क्यों किया है। क्या सुनाम है आपका? मेरा नाम अमरपाल है। अमरपाल जी, ये बताइए कि आज आप सब लोगों ने मतदान का बहिष्कार क्यों कर दिया? बहिष्कार इसलिए किया, मेरे गाँव में जितनी भी सुविधाएं कहलिया में है, स्कूल कहलिया में, मरघट कहलिया में, राशन कहलिया में, बैंक कहलिया में, स्कूल कहलिया में, सब कुछ कहलिया में है, लेकिन 50 मीटर की दूरी के कारण हम लोगों को 16 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। उसके बाद में बताओ मेरे बच्चे कैसे पढ़ पाए। तो क्या सड़क नहीं है आपके यहाँ? मेरे यहाँ कोई सड़क नहीं है, ये जो सड़क हमारे अपने खेतों से हमने एक निकलवाई है, अपने खुद के खेतों से निकलवाई, इसमें कोई प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। तो अब क्या मांग है, किस मांग को लेकर के आपने मतदान का बहिष्कार किया? हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें लिखित में दे कि हमें वोट मिलेगा तब तो हम वोट करेंगे, नहीं वोट नहीं करेंगे। तो आज सुबह से अब लगभग 1 बजने को है, अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँचा? हाँ, आए थे SDM साहब, आए थे और BDO साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि वोट डालो, लेकिन SDM साहब बोले कि चलो तुम्हारा मुकदमा ऐसा है तो मुकदमा कर दो, लेकिन हमें इतनी जानकारी नहीं, अगर इतने पढ़े लिखे होते तो हम अब तक कर दिए होते मुकदमा, हमें तो जानकारी है नहीं हम किस पे मुकदमा करें। SDM साहब किस पर मुकदमा करने को बात कह रहे थे? अब पता नहीं किस पे कहे, बोला मुकदमा कर दो कि तुम्हें धारा शायद बोले कि 26 धारा बोले कि 26 में मुकदमा कर दो। अब हमें तो इतनी जानकारी है नहीं हम किसके ऊपर करें और कहां करें, इतनी तो हमें जानकारी नहीं है। सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ा? कोई वोट नहीं पड़ा, ना पड़ेगा, डालेंगे भी नहीं। कोई गांव वाला डालने को तैयार नहीं है। देखिए, लोकतंत्र का ये पर्व है और 5 वर्ष में एक बार वोट डालने का मौका आता है, तो आप लोगों को ये मांग कुछ दिन पहले रखनी चाहिए थी, कुछ दिन पहले आप लोगों को ये प्रदर्शन करना चाहिए था, आज आखिर आज मतदान के दिन ही क्यों? हम इससे पहले प्रदर्शन भी कर चुके, DM साहब से मिले, SDM साहब से मिले, महापौर से मिले और सांसद जी से भी मिले, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब आखिर ये हालत हुए कि हमारे यहाँ अब आना पड़ता है, इससे पहले का अधिकारी अगर सुन लेते तो यहाँ ये संभावना नहीं होती, मतलब मतदान का बहिष्कार नहीं होता। तो क्या कहना चाहेंगे आप, आखिर क्यों आप लोग मतदान नहीं करना चाहते? मेरा रोड बन जाए मतदान होगा, रोड बन जाएगा तो मतदान हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो रोड अब इतनी जल्दी तो नहीं, आज के आज तो नहीं बन सकता? आज नहीं बन सकता है, मैं उससे पहले हम सांसद को और विधायक को और इस DM को, DM को, सबको दे चुके हैं अपनी कॉपी और कोई सुनी नहीं रहा है, मतलब कहीं सुनवाई नहीं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही सबको। और भी लोग हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? सर, रोड के विषय में बहिष्कार कर रहे हैं, रोड की वजह से। तो मतलब जब तक आप अधिकारियों को संज्ञान में, यहाँ जो आप लोगों ने बहिष्कार किया अधिकारियों संज्ञान में है? जी हाँ, सभी के संज्ञान में है। तो कोई अधिकारी पहुँचा यहाँ? हाँ, सभी अधिकारी आए, DM साहब आए, BDO साहब आए और तहसीलदार भी आए, SO साहब भी आए थे। तो कोई बात आप लोगों की बनी नहीं क्या? नहीं, कोई बात नहीं बनी, बहुत बोल रहे हैं कि उसमें लोटे में डाल दो, पता नहीं क्या, लोटे में डाल दो, नोटा में डाल दो, आप जीरो बंद करो बस। अच्छा, जीरो बंद कर दो? हाँ बस। अच्छा, तो हम क्यों बंद कर दें जीरो? अच्छा अच्छा, हमको एक भी वोट नहीं डालना है, एक भी वोट नहीं डालना। तो ग्रामीणों का यह कहना है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, यहाँ सड़क की वजह से, मात्र 50 मीटर की सड़क की वजह से यहाँ महिलाएं भी कुछ खड़ी हुई। चाची, क्या कहना चाहते हैं? हम सब कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बताइए। हाँ, हम कहना चाहते हैं कि आज हमारी जिंदगी कट गई, हमारे बच्चे न कैसे कटी, इतने बच्चा हमारे पानी उतर के पढ़ नहीं जा पाओ, हमें कोई बात नहीं मालूम होती, हमारी धियाई बहुए जाती साड़ी पहने जाती, मोड़ पर धोती धर लेती, तब उतरती जाए, कैसा वोट देंगे?
इसी बात से नाराज होकर के वोट नहीं दे रही हैं? ऐसा ही बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, चाची काहे नहीं वोट डाले हैं? मतलब जो 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 रास्ता है उसमें क्या पानी भर जाता है क्या? अब भी भर पानी। अच्छा 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 अच्छा, क्या जिस रास्ते से आप लोगों को निकलना होता है उसमें पानी भर जाता है? बहुत पानी भर जाता है, तो इसीलिए वोट नहीं डाला। अच्छा, तो बहुत से आप लोग देख सकते हैं ये पूरे जो मजरा ग्राम पंचायत है सैदापुर, वहाँ के ये सारी महिलाएं पूरी खड़ी हुई है, ये पूरे ग्रामवासी, यहाँ एक बाग है, बाग में ये लोग बैठे हुए हैं, और यहीं पर जो एक बूथ है उस बूथ पर लगभग लगभग 300 के आसपास वोट है, और उस वोट को एक भी वोट अभी तक नहीं डाला गया है। मतदान का बहिष्कार यहाँ किया गया है, और उस बहिष्कार को लेकर के ये सभी ग्रामवासी लामबंद हैं। इनका कहना है कि जब तक कोई हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।